भाई साहब, आज जो है औरंगाबाद पूर्व से आप इच्छुक है MIM से, आज फॉर्म अपना इच्छुक का फॉर्म दाखिल करने को जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे आप आवाम से? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि इस फॉर्म भरने के बाद आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आप सब लोग ये बताना चाहता हूँ कि MIM पार्टी की तरफ से मैं पूर्व से इच्छुक उम्मीदवार हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे खिदमात को देखते हुए मुझे टिकट इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। इसमें आप लोगों का भी ताउन की ज़रूरत है और मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी 1988 से मैंने सियासत का आगाज़ किया और मेरा एक उसूल रहा कि मैंने कभी भी जो है तो कोई मुस्लिम पार्टी को छोड़कर, यानी कि पहले मुस्लिम लीग से मेरा मैंने आगाज़ किया, बनातवाला साहब के साथ में काम किया, उसके कुछ दिनों उनके इंतकाल के बाद अबू आसिम आजमी के साथ में काम किया, उसके बाद असदुद्दीन अवेसी साहब के साथ में, इम्तियाज अली साहब के साथ में काम कर रहा हूँ और आज भी काम मेरा जारी है। मेरी खिदमत है, मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ और 15 साल के अंदर मैंने कई यहाँ पे कारनुमाएँ अंजाम दिए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आजाद चौक से लेके तो आगे तक पूरा राम मंदिर से होता हुआ हमारे सब सहयोगी के साथ कारपोर्ट से मिलकर हमने रोशन गेट तक और वहाँ से आगे अब कारपोरेशन तक ये रोड को बनवा दिया। हम मैंने अपने कारकर्दगी में जो है 1 करोड़ का दवाखाना बनवाया, जिससे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रहीम नगर और वाहीपुरे के लोग पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। मैंने कब्रस्तान के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी MLA ने या नगर सेवक ने कब्रस्तान के लिए औरंगाबाद के अंदर जगह नहीं लिया, ना ले सका, और मैंने ये काम को अंजाम कर दिखाया। और N6 के अंदर जो पहले 1 एकड़ ज़मीन छिटकों ने दी थी, हमने 1 एकड़ कारपोरेशन से लड़कर लिया और 2 एकड़ है और इंशाल्लाह वहाँ पर पूरा काम चालू है और जब तक ये वहाँ पे लोग करते रहेंगे मुझे भी सवाब मिलता रहेगा और मुझे 1 वोट देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो मैं ये हमारे आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ औरंगाबाद के आवाम को। कुछ लोगों का मुतालबा था और लोगों की चाहत थी, ख्वाहिश थी मेरे से कि भाई अब तुम नगर सेवक कब तक रहेंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ो और MLA लड़ो, हम आपके साथ हैं। और बहुत सारे आवाम, यहाँ के बुज़ुर्ग लोग, यहाँ के उलमाए दीन, यहाँ के अकाबरीन मिल्लत, ये जो एरिए के पूर्व के, ये सब लोग मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आप नगर सेवक में बहुत खिदमत अंजाम दे चुके हैं, यहाँ से आगे आप जो है तो आप MLA का टिकट लड़ो और असद साहब के टिकट की मांग करो और इंशाल्लाह टिकट मिल गया तो हम सब मिलकर आपको भारी अक्सर से चुनकर लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। बस इतना ही आपसे गुजारिश करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से करूँगा कि आप भी दुआ कीजिए कि मुझे हमारे पूर्व के जितने ये अपने ये एरिए के जो लोग हैं, हमारी माए बहनें, ये सब दुआ करें कि भाई मुझे टिकट मिल जाए और मैं कामयाब हो सकूँ। इतना कहकर बस आप नहीं, हाजी साहब, और एक कारनामा रहा आपका शहर में, आपने औरंगाबाद शहर का नाम बचाने के लिए जद्दोजहद की, आप उस कुर्ती समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो हमने, लोगों ने तो हमारा बहुत इल्ज़ाम लगाए कि मैं मुखालिफिन ने कि ये लोगों ने औरंगाबाद के लिए हमने क्या किया। हम तो ये बताते कि हमने ही सब कुछ किया। 22 दिन तक हम जो है तो कलेक्टर के सामने बैठे रहे और उसका जो है तो वो कुर्ती समिति का अध्यक्ष कन्वीनर मैं था और मुझके वो केस बना। इम्तियाज अली 1 नंबर के आरोपी है, 2 नंबर का आरोपी मैं हूँ, मेरे ऊपर भी केस बना हुआ है और वो जो है तो हम वो केस को इंशाल्लाह फाइट करेंगे और औरंगाबाद का नाम जब तक औरंगाबाद रहे रखना है, हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और पीसफुल मोमेंट ये हमारा चालू रहेगा, हम कभी इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये मुतालबा है कि भाई जो नया औरंगाबाद बसा है इसको आप संभाजी नगर का नाम दीजिए। संभाजी नगर राज्य का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक पूना से, फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो उनको जो है तो जो नया औरंगाबाद बनाए उसको वो जो उन्होंने नाम देना चाहिए और जो पुराना औरंगाबाद है इसका नाम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। औरंगाबाद पूर्व में आपके क्या करने की ख्वाहिश है, क्या विकास करने की ख्वाहिश है? अब मेरे औरंगाबाद के अंदर तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद का इसका नक्शा बदल के रख दूंगा पूरा। 22 साल के कार्यकाल में आपने कौन से इलेक्शन लड़े आपने? मैंने कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, एक मरतबा जो है तो MP का इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और अभी जो है तो जैसा इन्होंने बताया, अभी देशमुख साहब ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे,
तो मेरा ये बोलना है कि आप मोहल्ले के अंदर देखिए कि यहाँ के जो MLA थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, जो 15 साल तक MLA थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना काम नहीं करा जितना मैंने यहाँ काम करके दिखाया। आज एक करोड़ का दवाखाना है, तुम्हारे कब्रस्तान की जगह है, तुम्हारे जो है ये रोड का काम है, ये पानी की टाँकी तो हत्ती सिंहपुरा के अंदर है 20 लाख लीटर की, ये मैंने बनवाई है। कॉरपोरेशन का एक नंबर स्कूल जो है उसके जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का एक था फर्स्ट फ्लोर मैंने बनवाया, ये सारी चीज़ें मेरे काम की, ये मोहल्ले के हद तक है। अगर मुझे आवाम मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं ये इधर के जो मतदार संघ है ईस्ट का, इसको तो ऐसा कर दूंगा कि एक मिसाली बना दूंगा। लेकिन मेरा तजुर्बा है, 1988 पर इलेक्शन लड़ा, मेरी 36 साल की सियासत की सर्विस है, और 36 साल में जो बच्चा पैदा होता है वो जवान बन जाता, वो भी वही वो जो है। तो आज नहीं, लेकिन आई साहब आपकी पार्टी में इच्छुक बहुत सारे हैं, उनसे कैसे फाइट करेंगे आप? आपके अंदरूनी अंदर से इच्छुक ज्यादा है फाइट टिकट के लिए? हमारा ये मुतालिबा है कि भाई देखो, आजमाई हुए को नहीं आजमाना, हमारे साहब ने जो तो सोच समझ कर टिकट देना, हमारे इधर के पूर्व के 11 नगर सेवक है, 11 नगर सेवक में अगर किसी को भी टिकट देते तो हमारे कोई एतराज़ नहीं है, बाहर का आदमी हमको नहीं चलेगा, और जो जिनको आजमाए बार बार वो भी नहीं चलेगा। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी? भाई उम्मीद है मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, अगर मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पार्टी का, जो हमारे सुप्रीमो है असद साहब से, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से, पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, ये मुझे जो है तो टिकट देंगे। और कॉरपोरेटर हमारे साथ है, कॉरपोरेटर का बोलना ऐसा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम सब आपके साथ में रहेंगे। हमारा भी ये बोलना है कि मेरे से काबिल, मेरे से अच्छा और कोई अगर कॉरपोरेटर है और उसको टिकट मिलता है तो मैं भी उसके लिए सरेंडर होने के लिए।